हेलो एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली वो दोस्त अच्छे हो जाएंगे जो हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं बजटिंग की टिप्स या ग्रॉसरी शॉपिंग की टिप्स। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कॉस्को से कौन सी ऐसी 10 चीज़ें खरीदें जिससे आप पैसे सेव कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको वहाँ पर सबसे बेस्ट क्वालिटी की मिलती है। एक्चुअली वहाँ से 10 से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो अच्छी मिलती हैं और आपको वहाँ से ख़रीदनी चाहिए, पर मैंने मिनिमाइज़ किया है इसको 10 के साथ ताकि हम सारे लोग इस कैटेगरी में आ पाएँ, क्योंकि हर एक घर की ज़रूरत अलग से होती है। पर ये वो वाली चीज़ें हैं जो मोस्टली हम सभी लोग यूज़ करते हैं। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोस बनाती हूँ। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और अगर आप टोरंटो GTA के आसपास रहते हैं या घर ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे ऊपर ही होगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको कांटेक्ट ज़रूर से करें, वो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम जाने वाले हैं कॉस्को में और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ें मैं कौन सी खरीदती हूँ। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अमेजिंग एंड पहली चीज़ है प्रिस्क्रिप्शंस। अगर आपके पास कॉस्को की मेंबरशिप है तो प्लीज़ अपने प्रिस्क्रिप्शन वहीं से लीजिए, क्योंकि उनके जो रेट है वो सबसे बेस्ट है। वो लेबल लगा के ब्रांड्स नहीं बेचते हैं। मैंने बहुत बार कंपैरिजन किया है, वो हमेशा सबसे बेस्ट रेट देते हैं आपको और मोस्टली सारी मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और कई बार क्या हुआ है कि जहाँ पर मेरी फैमिली डॉक्टर है उसी के सामने एक फार्मेसी है, वो गलती से वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर देते हैं। एंड मुझे पता है कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन कॉस्को से कितने की मिलेगी, और नॉर्मल फार्मेसी में वो $15-$20 ज़्यादा मिलती है और कॉस्को में लाइक 20 की मिलेगी और यहाँ पे मुझे 45-50 देने पड़ेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी फैमिली डॉक्टर ने गलती से अपनी फार्मेसी में सेंड कर दिया। मैंने उनको पूछा कि कहाँ है मेरी प्रिस्क्रिप्शन, मेरी कॉस्को में पहुँची नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि ओ यहाँ पर सेंड कर दिया। तो मैंने उनको फ़ोन करके प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया कि ये $50 हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ से मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं कॉस्को से खरीदती हूँ, तो बेशक आप कैंसिल कर दें। वो कह रही कि मैंने रिफ़िल ऑलरेडी कर दिया है, ओके तुम मुझे कॉस्को का ही प्राइस दे दो। आई सेड ओह माय गॉड रियली। सो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं सम टाइम, अगर आप वैसे वो करते नहीं है, पर मेरे साथ उन्होंने ऐसे कर दिया और मेरे हस्बैंड ने भी एक दो बार ऐसे ट्राई किया। सो कॉस्को की फार्मेसी बेस्ट है। आप कोई भी आपको दवाइयाँ वो भी चाहिए वो कॉस्को की फार्मेसी से ही खरीदें। कॉस्को के गैस पंप्स भी हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना चाहते हैं तो उनके पंप्स यूज़ करें अगर आपके पास है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, अच्छा प्राइस है। और अगर आप रेगुलर गैस फिल करवाना चाहते हैं अपने बारबेक्यू के सिलेंडर में या एलतू फालतू, वो भी कॉस्को से ही करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ज़्यादा भरोसेमंद है वो प्लेस। तीसरी चीज़ है चीज़। कॉस्को में चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं और आपको बड़े बैच बनाने हैं तो वहीं से चीज़ खरीदें। उनके पास चीज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है एंड वाइड रेंज है, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप चीज़ के दीवाने हैं तो कॉस्को से ही खरीदें। अगली मेरी चीज़ है विटामिन्स। विटामिन्स मुझे कॉस्को से ख़रीदने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे या तो मुझे फ्लायर्स में कोई सेल मिल जाती है या फिर अगर आप कंपेयर भी करें तो बाहर से ज़्यादा अच्छा प्राइस होता है और क्वांटिटी बड़ी होती है। अगर आपको $30 के बाहर विटामिन्स मिल रहे हैं और उसकी क्वांटिटी 100 है और वहाँ पे 500 टैबलेट्स होंगी और प्राइस सेम होगा, सो ज़रूर से कंपेयर करके विटामिन्स आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, लाइक बच्चों के विटामिन्स या डेली विटामिन्स, कुछ भी। एंड अगली मुझे आजकल मैं चीज़ ले रही हूँ कॉलेजन प्रोटीन। मैंने कॉलेजन प्रोटीन वाइटा ब्रांड का लिया था अमेज़ॉन से 250 ग्राम्स
$40 में। कल मैं कॉस्को से ऑर्गेनिका ब्रांड का कॉलेजन प्रोटीन लेके आई हूँ, वो है 1 kg $50 में। सो $10 का डिफरेंस है और 800 ग्राम का डिफरेंस। सो ये चीज़ें आप कॉस्को से ख़रीद सकते हैं। टॉयलेट पेपर्स या पेपर टॉवल्स मैं हमेशा कॉस्को से ख़रीदती हूँ क्योंकि उनके प्राइजेस सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर आप कॉस्को से टॉयलेट पेपर या पेपर टॉवल्स ख़रीद रहे हैं तो आपको नेम ब्रांड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉस्को का होम ब्रांड है किर्कलैंड, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो मैं हमेशा पेपर टॉवल किर्कलैंड के ब्रांड के ख़रीदती हूँ। प्राइस में भी डिफरेंस है और क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत मज़ेदार लगता है। मैं पेपर टॉवल मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छी क्वालिटी के पेपर टॉवल चाहिए क्लीनिंग में, डस्टिंग में। सो इनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है और एक बार मैं जब लेके आती हूँ तो काफ़ी समय मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बड़े पैकेजेस हैं। अगली चीज़ है कुकिंग ऑयल। कॉस्को से कुकिंग ऑयल लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अफोर्डेबल होता है, बड़ी पैकेजिंग होती है। हम हमारी कुकिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो मिक्स होता है अदर ऑयल्स के साथ, जो तड़के में या फ्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो वो मैं यूज़ करूँगी। अगर मैं वर्जन ऑलिव ऑयल ले रही हूँ वो भी मैं कॉस्को से लेती हूँ क्योंकि बड़े पैक, अफोर्डेबल, एंड आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको कितनी देर चीज़ें लास्ट कर दी हैं। जब मैं कॉस्को से चीज़ें खरीदती हूँ मैं हमेशा लेबल कर लेती हूँ या मार्क कर लेती हूँ मैंने कब से शुरू करना यूज़ करना शुरू किया, और कंपेयर करती हूँ कि ये चीज़ें कितनी देर लास्ट कर दी हैं। काफ़ी समय तक आप इसको अपने दिमाग से निकाल देंगे कि आपको दोबारा से ख़रीदने की ज़रूरत है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक आपकी चीज़ें चलती हैं। और लॉन्ड्री की जो भी ज़रूरतें होती हैं, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, फैब्रिक सॉफ्टनर हो गया, या फिर ड्राइंग शीट्स हो गई, या फिर जो आप खुशबू के लिए क्रिस्टल्स डालते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कॉस्को से ही लेती हूँ क्योंकि बड़े बड़े पैक हैं, अफोर्डेबल हैं, और जो भी आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं वो आपको आसानी से कॉस्को में मिल जाएंगे। एंड आप अपनी लॉन्ड्री की सारी ज़रूरतें कॉस्को से ख़रीदें एंड मार्क करके रखें और कंपैरिजन करें कि वो कितनी देर लास्ट करती हैं अदर्स के मुकाबले। कॉस्को से मुझे एग्स लेना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हमेशा ऑर्गेनिक फ्री रेंज एग्स वहीं से लेते हैं, उनके प्राइजेस सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं और उनके एग भी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आई डोंट नो आप रिलेट करेंगे या नहीं, कई बार आप एग कुक करें उसमें बहुत एगी किस्म की स्मेल आती है। कॉस्को के अंडों से ऐसे कभी नहीं होता है, मोस्टली वो ज़्यादा मज़ेदार एंड फ्रेश है खाने में। आई डोंट नो अगर आप इतनी पिद्दी पिद्दी चीज़ें नोट करते हैं या नहीं, पर बहुत बार मैंने देखा है कि नॉर्मल जब हम एग खाते हैं उनमें से एक एगी किस्म की स्मेल आती है। कॉस्को के अंडों में से ऐसे नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एंड मज़ेदार है, ट्राई करके देखना। मेकअप वाइप्स मैं हमेशा कॉस्को से ही लेती हूँ। ये बहुत बड़ा कॉस्को की वाइप्स का बॉक्स आएगा $19 में, और बाहर पिद्दी सा वाइप्स का पैक आता है जिसमें 25 वाइप्स होती हैं $10 का या $12 का, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इन वाइप्स को यूज़ कर रही हूँ 2-3 साल से और मुझे बहुत मज़ेदार लगती हैं और बहुत लंबा समय तक चलती हैं क्योंकि कितनी ज़्यादा वाइप्स हैं। सो प्लीज़ अगर आप मेकअप वाइप्स वाले बंदे हैं या और कोई वाइप्स आपको चाहिए तो आप कॉस्को से ही ख़रीदें। अगली चीज़ है नट्स। नट्स बहुत किस्म के आपको कॉस्को से मिल जाते हैं। हम हमारे जो सुबह खाने वाले कच्चे आलमंड होते हैं वो कॉस्को से लेते हैं, या आप कोई भी किस्म के कैश्यू नट्स लेना चाहते हैं, पीकान्स लेना चाहते हैं, या वॉलनट्स, जो भी, उनकी क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आप किर्कलैंड ब्रांड के नट्स ले सकते हैं, आप कंपैरिजन करें, उनका प्राइस बेस्ट है और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो हमेशा हम नट्स कॉस्को से ही लेते हैं, और आप भी कंसिडर कर सकते हैं कॉस्को से नट्स लेने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स पे कॉस्को में बहुत अच्छी डील्स मिलती है और उनके पास वाइड रेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो भी आपको चीज़ें घर के लिए चाहिए होंगी, टीवी से लेके लैपटॉप, बेल्स, फ़ोन, बहुत कुछ है उनके पास। सो आप उनके फ्लायर्स को फॉलो कर सकते हैं कि कहाँ क्या कौन सी चीज़ कितने प्राइस की लगी है, और उनकी जो एक्सचेंज की पॉलिसीज़ हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आता है तो वो आप बहुत आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप
समवन है जो काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कोई भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हो गई, लाइक क्लीनर्स हो गए, रोबोट क्लीनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, स्टीम क्लीनर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है उनकी वारंटीज़ एंड एक्सचेंज और वो सारी पॉलिसीज़ बेस्ट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं चीज़ें इकट्ठा कर पाई हूँ जो मुझे लगता है कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं कॉस्को से लेने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, हम इसका पार्ट टू भी बनाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय, लव यू।